हेमा मेकअप लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स ब्यूटी। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ईद मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रहे, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, आप उसे भी ज़रूर हिट कर दें कि आप मेरे आने वाले सारे वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे। सो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं लूँगी दिस कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर। इसे मैं अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबली मियो फिट मी फाउंडेशन इन द शेड सन बीच। मैं अपने फेस पे फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी और उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी। अच्छे से स्प्रेड करना है। I'm taking Maybelline Fit Me Concealer in the shade 15 Fair. मैं इसे अपने आईज को अच्छे से कंसील करूँगी, फोरहेड, नोज, क्यूपिड्स को एंड चिन एरिया को अच्छे से मैं हाईलाइट करूँगी एंड अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। न्यूयॉर्क बेबी लिप्स, अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए टेकिंग दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। अपने फेस को अच्छे से सेट करने के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। दिस लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट आई शेडो पैलेट। मैं इसमें से मैट रिच कलर लूँगी, उससे मैं अच्छे से अपने आईज को एज अ ट्रांजिशन शेड में यूज़ करूँगी। मैं अपना आईज के आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। तो ब्लेंड गर्ल्स, कीप ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो या ब्लेंड ब्लेंड। लेकिन दिस हिलारी ओडा 24 आई शेडो पैलेट, मैं इसमें से ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन शेड। इसे मैं अपने आईज पे अच्छे से बफ करूँगी, अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पर लाइट हैंड से मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी और लाइटली मैं इसे ब्लेंड भी करूँगी। हमारे आईज पे कोई हार्श लाइन है एजेस ना रहे। ये लैक्मे 925 प्राइमर प्लस आई शेडो पैलेट लूँगी, इसमें से मैं ब्लैक शेड लूँगी और मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, ओनली आउटर कॉर्नर पे। इसे इनर कॉर्नर तक एकदम लाइटली मैं इसे ब्लेंड करूँगी। मैं ज़्यादा आउटर कॉर्नर की तरफ ही फोकस करूँगी। लास्टली मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जितने भी मैंने आई शेडोज लगाए उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कोई हार्श लाइन है जिसमें आ रहा है। ओडा गोल्ड ग्लिटर इन द शेड गोल्डन। मैं गोल्डन ग्लिटर को अच्छे से अपने आईज के मिडिल पोर्शन से इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से अप्लाई करूँगी।
उसके बाद मैं हिलाड़ी ओडा पैलेट में से मैं उसी ब्राउन शेड को लूँगी, लाइट ब्राउन शेड, और लैक्मे 925 पैलेट में से मैं रेड शेड लूँगी, और मैं अच्छे से अपने आईज को अच्छे से ब्लेंड करूँगी कि हमारा गोल्डन ग्लिटर तो का कोई शार्प लाइन एडजस्ट ना आ रहा है। सो ब्लेंड गर्ल्स, दो कलर को मिक्स करके ब्राउन शेड एंड रेड शेड को मिक्स करके अच्छे से अपने आईज के नीचे भी लगाऊंगी कि हमारा आईज पूरा मेंटेन रहे। मैं लाइनर के लिए ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर जेल लाइनर। मैं अच्छे से जेल लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी, थोड़ा सा बोल्ड विंग लाइनर, कि हमारा पूरा लुक को वो लाइनर एनहांस कर देगा। सब मैं ले रही हूँ दिस लैक्मे आइकॉनिक काजल इन द शेड डीप ब्लैक। अब मैं इसे अपने अपर वाटर लाइन से अप्लाई करूँगी। और इसी काजल को मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। लाइट काजल, थिक काजल नहीं अप्लाई करना है मुझे। तो अब मैं ले रही हूँ दिस लैक्मे का पैलेट। इसमें से मैं ब्राउन शेड लूँगी, डार्क ब्राउन शेड। अब मैं उसे अपने लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से स्मज करूँगी कि हमारा आईज थोड़ा सा ओपन अप और दिख रहा है अच्छे से। तो अब मैं ले रही हूँ दिस आई लैशेस कर्लर। इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ दिस मीडियम हाइपरकोलर मस्कारा। इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने लैशेस को ब्लेंडिंग में यानी वॉल्यूम दूँगी। एक से दो कोट मैं इसका अप्लाई करूँगी। अब मैं ले रही हूँ दिस एंजल रोज़ ब्लश। इसमें से मैं पीची शेड लूँगी। मैं स्माइल करते हुए अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी इसे। सो मैं ले रही हूँ दिस लैरी ओडा पैलेट। इसमें से जो ब्रॉज फिलिंग करने का पाउडर दिया हुआ था, इसी के हेल्प से मैं अच्छे से अपने ब्रॉज को फिल करूँगी। सो मैं उसी पैलेट का यूज़ करूँगी, उसी शेड को यूज़ करूँगी जिससे मैंने अपने ब्रॉज को फिल किया था। इसे मैं एज अ कॉन्ट्रोल यूज़ करूँगी, अपने दोनों चीक्स को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लूँगी। ज़्यादा शार्प कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी। सो मैं अपने नोज को कॉन्ट्रोल करूँगी उसी शेड से, थोड़ी मेरी फैटी फैटी सी नोज से, सो थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए। सो मैं ले रही हूँ दिस मैच एंड मोर हाईलाइटर। इसकी हेल्प से मैं अपने हाईलाइटिंग पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करूँगी, चीक्स को अच्छे से हाईलाइट करूँगी।
फोरहेड को भी हाईलाइट करूंगी ब्रिज ऑफ दी नोज़, क्यूपिड्स बो एंड चिन, इन एरिया को मैं अच्छे से हाईलाइट करूंगी। मैं अपने ब्राउ बोन को भी अच्छे से हाईलाइट करूंगी। देन मैं स्मॉल ब्रश लूंगी, उसकी हेल्प से मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट करूंगी। तो मैं ले रही हूँ इंटरस्टे कूल की मिनी लिपस्टिक इन द शेड 50। मैं इसे अप्लाई करूंगी अच्छे से। तो मैं उस लिपस्टिक के ऊपर एक और लिपस्टिक लगाऊंगी, हिलारी ओडा मैट लिपस्टिक इन द शेड 22। सो लास्टली मैंने ली दिस हुदा ब्यूटी मेकअप फिक्स को, इससे मैं अच्छे से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।